आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। मेरी प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बचाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम जप सब संकट तेरे कट जाएंगे झटपट झटपट, मेरी राम जी जानते हैं रे। राम जी तो सब जानते हैं, लेकिन राम और कृष्ण ने आपको कर्म भी करने को दिए हैं। उन कर्मों को किए बगैर आपके प्रभु आपकी मदद नहीं कर सकते। पहले आप कर्म करेंगे और प्रभु फिर आपकी मदद करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात, मैं कामिनी खन्ना आज 25 जुलाई 2023 वाले दिन आपको देती हूँ शुभ मंगल बधाइयाँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आपने बहुत कुछ अच्छा सोचा है। आज चंद्रमा कन्या राशि में है, सुबह 11:11 तक उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज नक्षत्र है मंगल का चित्रा, और आज हम चर्चा करेंगे कि शुक्र वक्री हुए उसका द्वितीय चरण में क्या असर हुआ सभी राशि वालों पर। मेष राशि, आपके लिए शुक्र जो है आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी है। जब वो वक्री होते हैं तो पैसों की कमी होती है, और आपके परिवार पे भी इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। आपको संभल के चलना है। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ भी कर सकते हैं, संचित धन मत निकालिए। वृषभ राशि, आपके लग्नेश है शुक्र, आपकी पर्सनालिटी में कमतरता आती है और आपको अपनी पर्सनालिटी ग्रो करने के लिए ओम ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडा विच्छे के जाप करने चाहिए। साथ साथ आप शुक्र के उपाय अपनाइए और ये भी देखिए कि एक्सरसाइज योग मेडिटेशन कीजिए। मिथुन राशि, आपके लिए शुक्र जो है वो द्वादश भाव के भी स्वामी है। प्रेम संबंधों में कमी आए या आप दूरियां महसूस करें तो स्पेस बना के ही चलिए, क्योंकि बात बिगड़ सकती है शुक्र के वक्री होने पर। आप शांत रहिए, थोड़े दिन काटिए और खर्चों पर कंट्रोल करें। कर्क राशि, आपके लिए शुक्र वक्री हुए तो आपके लाभ की संभावनाएं कम हुई। आपके आने वाले धन में व्यत्यय आए, केसेस विवाद उलझ सकते हैं, इसलिए थोड़ा परिवार की बात सुन के चलें। सिंह राशि, आपके लिए आपके पिता समान लोगों से अनबन या उनकी तबीयत खराब, कुछ काम मीडिया से रिलेटेड बन रहे थे अचानक से रुक ना जाए, इसका ध्यान रखना है। और आपको फायदा तो है शुक्र के वक्री होने का, लेकिन कार्यों पर बुरा असर ना पड़े इसकी खबरदारी बरतनी है। कन्या राशि, आपके लिए अब कई सारे काम जो हो रहे थे उसमें गति स्लो हो गई, और आपके बड़े भाई बहन या आपके पिता समान लोग आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इस बात से भी आप परेशान हैं। यात्रा पर निकले तो अपनी दवाइयां वगैरह लेकर साथ चले। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब आपकी हेल्थ जो है उसका कारण भी शुक्र ही है, शुक्र का घर है अष्टम, तो आपको अपनी हेल्थ संभालनी है। अब लाभ में शुक्र वक्री हुए तो थोड़ा सा प्रजनन अंगों से रिलेटेड स्त्रियों में महावारी ओवरीज यूट्रस से रिलेटेड समस्याएं, या किसी प्रकार से पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह से रिलेटेड जननेन्द्रियों से रिलेटेड समस्या हो तो ध्यान रखें। वृश्चिक राशि, विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखें, उलझन ना करें, स्पेस दे के चलें, व्यवसाय धीमे धीमे आगे बढ़ाएं, जल्दबाजी ना करें। धनु राशि, लोन वगैरह नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएंगे, थोड़ा दिन शांति से बैठिए और लोन चुकाइए जरूर थोड़ा थोड़ा करके अगर किसी का लिया है तो। और साथ में आप ये भी समझिए कि विरोधी आपके उठ खड़े ना हो, इसलिए चुप रहना सबसे उत्तम रहेगा। मकर राशि, बच्चों के साथ अनबन ना करें, आपके कोई भी जो गुस्से के कारण या क्रोध के कारण आपकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए ज्यादा गुस्सा ना दिखाएं। आपके मित्रों के साथ आपकी नहीं बन रही है तो भी कोई टेंशन नहीं है, फिर बन जाएगी। आप ओम महालक्ष्मी नमः या दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहें। कुंभ राशि, माता पक्ष की तबीयत संभालना बहुत जरूरी, घर के व्यवसाय वगैरह इनका हाल सब ठीक से रखना है, हेल्पर्स के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है और वाहन वगैरह आस्ते से चलाना है। मीन राशि,
आपकी यात्राओं में आपको दिक्कतें ना हो किसी प्रकार से विरोधियों की गतिविधियों के कारण, आपको एक काम करना है, आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करके घर से निकले और साथ साथ ये भी देखें आप कि आपकी यात्रा किसी काम की भी है या नहीं, या तो आराम कीजिए। तुला राशि वालों, आपकी कार्य की व्यवस्था के मालिक होते हैं शिव जी। आपको शिव जी को निरंतर भजना चाहिए, घर में भी जल चढ़ा सकते हैं, बाहर भी शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाएं, काले तिल डालकर जल चढ़ाएं और जाप भी कर सकते हैं शिव जी का। अब आपका मन जो है बड़ा चंचल है, उस वजह से आपके कार्य बिगड़ते हैं। पैसों से रिलेटेड व्यवहार आपका की वर्ड है, आप कर सकते हैं जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह, लेकिन संभल के कोई भी कार्य करने से पहले आप शिव जी का नाम लें। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे समझदार लोगों के साथ। आइए अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे शुक्र का वक्री होना इन राशियों को बड़ा ही सुहा रहा है। तो अभी सारी राशियां तो नहीं, एक से दो राशियां मैं आपको बताऊंगी। एक तो मेष राशि है जिसको शुक्र का वक्री होना सुहा रहा है, और इसके साथ साथ दूसरी राशि बनती है कर्क राशि, इसको भी सुहा रहा है शुक्र का वक्री होना, क्योंकि पैसे आ रहे हैं इनके, है ना। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। विनायक जी कुंकण से लिखते हैं, पिताजी की हेल्थ बराबर नहीं रहती, नंबर दिया है 44। तो विनायक जी आपका जो आपकी जो समस्या है उसका निदान यही है, आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप पिताजी द्वारा सूर्य की रोशनी में करवाने हैं। कोई D3 की कमी, कोई कैल्शियम की कमी, कोई हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम, आँखों से, दांतों से, स्कल से, बुद्धि से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो गायत्री के जप करें और साथ में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप निरंतर करते रहें। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान, फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है शहर। तब तक के लिए आगे दीजिए धन्यवाद और नमस्कार।